सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ट्रेंडिंग में वो टॉपिक होता है जिसमें लिखा होता है बैन। हैशटैग बैन जो है ये नंबर वन पर नंबर दो पर ट्रेंड कर रहा होता है। कभी किसी बुक को बैन करने की बात होती है, कभी किसी आर्टिस्ट को बैन करने की बात होती है, मूवी को बैन करने की बात होती है, सॉन्ग्स को बैन करने की बात होती है। लेकिन सरकार किसी भी चीज को बैन करने का फैसला कब लेती है, इस वीडियो में आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अटराज, जहां थोड़ी एक्स्ट्रा बातें होती है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा बुक्स पर लगने वाले बैन की। क्या आपको मालूम है, अब तक हिंदुस्तान में, आजाद भारत में तकरीबन 45 किताबों पर नेशनल लेवल पर बैन लगाया जा चुका है। अभी की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसकी तुलना अक्सर की जाती है नेहरू सरकार से। पंडित नेहरू जी की सरकार में जो किताबों की संख्या बैन होने वाली है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप मोदी सरकार की बात करेंगे तो मोदी सरकार ने मात्र 4 किताबों को अब तक बैन किया है, जबकि पंडित नेहरू जी की सरकार ने उस समय 16 किताबों को बैन किया था। क्या कारण थे कि उन्हें इतनी सारी किताबों को बैन करना पड़ा, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विस्तार से समझते हैं। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने 17 साल के कार्यकाल में 16 किताबों को बैन किया। पंडित नेहरू जी को इतनी सारी किताबों को बैन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये वो समय था जब भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था। बहुत सारी किताबें ऐसी थी जो पाकिस्तानी ऑथर्स की थी और जिनमें कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए कुछ ऐसी बातों का सहारा लिया गया था जो कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थी। इसलिए पंडित नेहरू की सरकार ने उन किताबों को भारत में बैन कर दिया। कई सारी किताबें ऐसी भी थी जो धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली थी, उनको भी बैन कर दिया। एक किताब थी 9 Hours to Ram, उसमें महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथुराम गोडसे को सही बताया गया था, इस वजह से इस किताब को भी बैन कर दिया गया। 1950 से 1963 के बीच भारत में 16 किताबों पर बैन लगा। इस दौरान पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। नेहरू सरकार ने 16 किताबों पर बैन लगाया, मोदी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में 4 किताबों पर बैन लगाया। लेकिन आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि इनमें से किसी भी किताब पर पॉलिटिकल रीजन की वजह से बैन नहीं लगाया गया है। अब तक के 8 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने जिन 4 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है, उसमें से 2 किताब, पहली है संत सूर्य तुकाराम और दूसरी है लोक सखा ज्ञानेश्वर, एक ही लेखक आनंद यादव की है। इन दोनों बुक्स को इसलिए बैन किया गया क्योंकि ये धार्मिक भावनाएं आहत कर रही थी। बाकी की जो 2 किताबें हैं, सहारा और बाबा रामदेव की कहानी, जिसमें बताई गई गवर्नमेंट टू टाइकून, इसको इसलिए बैन किया गया क्योंकि कोर्ट का आदेश था। मानहानि के मुकदमे के बाद में जैसे ही कोर्ट का आदेश मिला, वैसे ही इन 2 किताबों को बैन कर दिया गया। हालांकि सहारा बुक पर लगाया गया बैन टेम्पररी था। बात चली है बुक्स पर बैन की, तो 1964 से 1997 के बीच भारत में 17 किताबों पर बैन लगाया गया। सबसे ज्यादा किताबें इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 7 किताबें उस वक्त बैन हुई जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल की। उस कार्यकाल में सिर्फ 1 बुक को जो है बैन किया गया, उसका नाम था 5 Past Midnight in Bhopal, और इस किताब को इसलिए बैन किया गया क्योंकि भोपाल गैस कांड पर आधारित थी। उस दौरान जो कमिश्नर थे, उन्होंने मानहानि बता करके कोर्ट से इस किताब पर बैन लगवाया था। उसके बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल आता है। उस कार्यकाल में, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 3 किताबों पर बैन लगाया गया। और अब बात करते हैं कि बैन आखिर लगता कैसे। सीआरपीसी का जो सेक्शन 95 है, उसके तहत किताबों पर बैन लगता है। किसी न्यूज़पेपर, किताब या डॉक्यूमेंट, पेंटिंग, फोटोग्राफ, पर्चा, इस तरीके की जो चीज है, उस पर बैन लगाने का अधिकार सेक्शन 95 के तहत राज्य सरकारों के पास है। ये बैन तब लगाया जाता है जब किताब का जो कॉन्टेंट है वो इन धाराओं के तहत, सेक्शन 124A यानी कि राष्ट्रद्रोह, सेक्शन 153A यानी कि समुदायों के बीच में दुश्मनी फैलाना, सेक्शन 153B यानी कि धार्मिक स्थल या धार्मिक रैली को नुकसान पहुंचाना, इस तरह का कंटेंट अगर किसी बुक में, उसे बैन कर दिया जाता है। सेक्शन 292 यानी किताब का कंटेंट अश्लील है, सेक्शन 295A